हाय गाइस दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे बिकम एडिटर यूट्यूब चैनल में और हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो हम सिखाने वाले हैं वो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में तो देख लिया होगा। तो आज जो हम ट्यूटोरियल देने वाले हैं वो देने वाले हैं जो कि एक वीडियो चल रही है आजकल टिकटॉक पर जो वॉइस थिंकिंग करके होती है और क्वेश्चन बहुत सारे आने लगते हैं। तो आप यहाँ मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखो ये अगल बगल वीडियो चल रही होगी, एक तरफ मेरी चल रही होगी, एक तरफ किसी और बंदे की चल रही होगी, हो सकता है सिर्फ मेरी ही चल रही हो। ठीक है, तो हाँ कुछ इसी तरह ट्यूटोरियल आज मैं आपको देने वाला हूँ। गाइज ये नेक्स्ट टिकटॉक का नेक्स्ट ट्रेंड है जो कि आने वाला है। अब ये मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता यार, देखो ऐसा होता है टिकटॉक पर जब कोई एक वीडियो वायरल होती है तो धड़ल्ले से सब उसके ऊपर वीडियो बनाने लगते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रही है और कुछ लोगों ने इस पर वीडियो बना दी है और ये ट्रेंड 100% ये ट्रेंड आने वाला है टिकटॉक पर। तो अगर आप सबसे पहले बनाते हो, सबसे पहले तो नहीं कुछ लोगों ने बना लिया, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हो तो अभी ज़्यादा चांसेस है कि आप की वीडियो वायरल हो जाए और आप रातों रात फेमस हो जाओ यार। तो गाइज ये पूरी ट्यूटोरियल जो देने वाला हूँ वो टिकटॉक से ही देने वाला हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो सब कुछ बिल्कुल टिकटॉक से ही बताने वाला हूँ, अलग कोई सॉफ्टवेयर में आपको इसको एडिट नहीं करना होगा, ओनली ऑन टिकटॉक। तो आज ये बताएंगे कि आपको कैसे अपनी वीडियो को शूट करना है टिकटॉक में ही चलकर, और जिस साउंड पर मैंने शूट की है उस साउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वीडियो की लिंक है। तो आप वहाँ जाइए और साउंड उसी साउंड पर वीडियो बना लीजिए, आपकी जिस मर्जी जिस साउंड पर आप वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलो फिर बताते हैं कि आपको शूट कैसे करनी है और टिकटॉक में ही आपको एडिट कैसे करनी है। उससे पहले दोस्तों अगर आता है वीडियो पसंद तो एक लाइक तो बनता है, और नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और घंटे को दबाकर रोल पर लगा देना। तो चलो फिर चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस सिंपल है, आपको अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको मेरा साउंड चाहिए तो यहाँ वो साउंड है। तो आप इस पर क्लिक करके और यूज़ दिस साउंड कर दें। ठीक है गाइस, तो आपको ऐसे वीडियो बना लेनी है, और अभी मैंने माइक लगा रखा है तो इसको हटाते हैं, फिर आपको बता दें कि आपको अपनी एक्टिंग वगैरह कैसे करनी है। ठीक है गाइस, तो इसको हम हटा रहे हैं। ये पता नहीं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर देयर फॉर टिकटॉक टेम्पररी एनेबल टू रिकॉर्ड, मतलब बोल रहा है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप टिकटॉक मतलब जो भी अब कैमरा चल रहा है या जो भी मतलब वो, लेकिन उसने रिकॉर्ड बैकग्राउंड में कर लिया है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से शूट हो जाएगी। ओके गाइज, देन आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गाइज देखिए, यहाँ ए करेक्टर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ आपको यहाँ करेक्टर में आना है और यहाँ आपको सबसे पहले अपने वीडियो का टाइटल जो कि चल रहा है वॉइस थिंकिंग या फिर मैन थिंकिंग या जो भी थिंकिंग, ठीक है, तो आपने ये दे दिया। अब आपको यहाँ ए पर क्लिक करना है, इससे क्या होगा बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा और आप यहाँ से अपने कलर्स वगैरह थोड़ी राइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। देन आपको ये डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इसको ऐसे यहाँ रखे रहना है। ठीक है गाइस, तो ये आपकी पूरी वीडियो में लगा रहेगा। अब यहाँ आपको फिर से यहाँ क्लिक करना है और आपको अपनी जो भी एक सोच वगैरह लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, हाँ चलो लिख देता हूँ पैसे नहीं है यार। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैसे नहीं है, और यहाँ बैकग्राउंड में एक कलर दे देता हूँ और इसको लाल कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप इसको नीचे लगा दें, और जैसे मान लो इसकी ड्यूरेशन आपको जो रखनी हो, मतलब ड्यूरेशन, जैसे आपको अगर मान लो कि पूरी वीडियो में आपको नहीं चाहिए, आधी वीडियो से चाहिए, तो आप इसको ये लाल वाला, अरे यार हाँ ये लाल वाला आप पकड़ के आप जहाँ तक आपको रखना है वहाँ आप रख सकते हैं, और मान लो इधर से आपको नहीं चाहिए तो इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हो गई हमारी एक थॉट, इसको आपने डन कर देना है। देन ऐसे ही आपको सिंपल अपने थॉट वगैरह जितने भी आपके थॉट हैं वो लिख लेना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कार लेनी है, मैं जल्दी जल्दी आपको लिख के बताता हूँ। जैसे ये कार लेनी है मैंने लिख दिया, फिर इसको आपने ऐसे सेट कर देना है, ड्यूरेशन वही, तो ये हो गई। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको आप जितने थॉट्स चाहें उतने थॉट्स लिख सकते हैं। लिख देता हूँ वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसको भी सेम कर देते हैं लाल बैकग्राउंड देकर और थोड़ा छोटा करके, और इसके भी सेल्फ ड्यूरेशन को यहाँ से जो है वो कम कर देते हैं।
ठीक है, देन इसको आपको डन कर देना है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको सारा यहाँ लिख के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ और सारा लिख के आपको एक बार वीडियो को दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस ये मेरा लास्ट है, इसलिए मैं आपको सोचा दिखा दूँ और आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया है माँ, तो अब आखिरी बार आपको और समझा दूँ। यहाँ से आप इसके राइटिंग चेंज कर सकते हो, देख लीजिए कैसे स्टाइल में आ गया, ठीक है। और ये जो है जहाँ ए बना हुआ है, ये आपका बैकग्राउंड आ जाता है, तो इसको हम लाल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, फिर डन कर देंगे। और माँ को यहाँ हम रख देंगे सबसे ऊपर, क्योंकि उसका दर्जा सबसे ऊपर है। तो यहाँ हम सेल्फ़ ड्यूरेशन इसको जो है वो कम कर देते हैं, ताकि लिखने के बाद में आए। तो यहाँ हमारी जो वीडियो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, एक बार देख लीजिए वॉइस थिंकिंग, अब यहाँ सब लिख के आने लगेगा। तो इसी तरह गाइस, आप जितने थॉट्स चाहें उतने थॉट्स आप यहाँ अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, जितने चाहें उतने, और कुछ इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपको सिंपल नेक्स्ट करके अपना टाइटल वगैरह देकर वीडियो को कर देनी है पोस्ट, हैशटैग ज़रूर लगाना ताकि वायरल हो जाओ, और ऐसे ही पोस्ट कर देनी है। तो बताओ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार बस। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आप बनाना सीख गए होंगे। जाओ यार बनाओ और वायरल हो जाओ रातों रात। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए ख्याल रखें अपना। बाय बाय दोस्तों।